हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल हैं, सो आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइप आता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, और उसे हम एन से डिनोट करते हैं। अब काउंटेबल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब काउंटेबल नंबर होते हैं, यानी जिनसे हम गणना करते हैं, गिनते हैं। अब हम गिनते तो ऐसे हैं किसी भी चीज़ को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर अब हमने इसमें जीरो को क्यों नहीं किया, क्योंकि जीरो काउंटेबल नंबर नहीं होता। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो इफ़ जीरो इज़ इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, देन द रिजल्टिंग सेट इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई डब्लू। अब अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में, यानी काउंटेबल नंबर्स के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो यहाँ क्या हो गया, ये सेट क्या बनेगा, W इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, यानी कि इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया, तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स, इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि अब देख, तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसे, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लें, यानी हमने इसके नेचुरल नंबर के सेट में जीरो भी इंक्लूड कर लिया, तो ये बन जाता है होल नंबर। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, पर सारे की सारी पूर्ण संख्याएं, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं अब पूर्णांक, इंटीजर क्या होते हैं। तो मिरर इमेज ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन विद रेस्पेक्ट टू 0 इन द प्लेन मिरर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3 रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि मिरर इमेज 1, 2, 3 की मिरर इमेज जो बनती है जीरो के रेस्पेक्ट में, अब वो क्या बनेगी, -1, -2, -3। अब 1, 2, 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की जीरो के रेस्पेक्ट में जो इमेज बनती है उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, एंड दीज नेगेटिव इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स, और नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 और सेट ऑफ होल नंबर्स का जो सेट होता है 0, 1, 2, 3, इन सब को हम कंबाइनली बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। नेक्स्ट देखते हैं इवन नंबर्स, सम संख्याएं क्या होती हैं। तो द ग्रुप ऑफ दोज इंटीजर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी कि उन इंटीजर्स का सेट जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, उन पूर्णांकों का समूह जो 2 से पूर्णता विभाज्य हैं, अर्थात 2 से विभाजित करने पर हमें भागफल 1 पूर्णांक तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। भागफल तो हमें क्या मिलता है, 1 पूर्णांक, और शेषफल क्या मिलता है, 0। देखो जैसे आप यहाँ समझ सकते हो दूसरी लैंग्वेज में कि व्हेन डिवाइडेड बाय 2, जब हमने 2 से डिवाइड करा, द क्वेश्चेंट इज़ एन इंटीजर, क्वेश्चेंट क्या मिला हमें, इंटीजर, एंड द रिमाइंडर इज़ 0, और रिमाइंडर क्या मिला, 0, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर्स का ग्रुप। क्या बोलते हैं उसे, इवन नंबर्स का ग्रुप, और उसे हम डिनोट करते हैं ई से। अब ई से क्या क्या होते हैं, देखो ई जो सम संख्याएं हैं इवन नंबर हैं, उनका सेट क्या होता है, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8। आप इन सब को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन तो इंटीजर मिलेगा, जैसे 6 को आप, या -6 को 2 से डिवाइड करो, -3 क्वेश्चन -3 मिला और रिमाइंडर 0 मिला, 6 को 2 से डिवाइड करोगे +3 मिलेगा और क्वेश्चन 0 मिलेगा। सो ये सब क्या हैं, इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब आते हैं ऑड नंबर्स पर, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याओं को हम कैसे समझ सकते हैं, जस्ट इनका उल्टा, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। जैसे कि ऑड नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, सॉरी यहाँ 4 नहीं आने का, ये 4 नहीं आने का, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ लिखते हुए थोड़ी गलती हो गई है, ये यहाँ 4 और ये 2 और ये 2, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होने के। इसमें क्या होगा, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, और इधर भी आप ले जा सकते हो -7, -9, ये सब ऐसे नंबर्स का सेट बनेगा जो 2 से डिविजिबल कम्प्लीटली नहीं होते। अगर होते भी हैं तो हमें क्वेश्चेंट में इंटीजर तो मिलता ही है, रिमाइंडर में हमें 0 नहीं मिलता, यानी कि भागफल तो पूर्णांक प्राप्त, भागफल भी पूर्णांक प्राप्त नहीं होता और शेषफल 0 नहीं है। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स का सेट। आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सीधी सी बात है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, देखो हिंदी वाले तो समझ ही रहे होंगे, अभाज्य जिन्हें हम भाग नहीं दे सकते।
तो नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वे नेचुरल नंबर जो सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर से डिवाइड हो सकते हैं, एक तो क्या वन और एक खुद से, उन्हें हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी अगर कोई नंबर या तो सिर्फ वन से डिवाइड हो रहा है या फिर खुद से डिवाइड हो रहा है तो वो होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। अब देखो 2 या तो 1 से डिवाइड हो गया 2 से, 3 भी इसी तरीके से या तो 1 से डिवाइड हो गया 3 से, और आगे भी है। जो नंबर्स या तो खुद से डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा आप यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ जो केवल दो विभिन्न गुणनखंडों एक और स्वयं, या तो एक से और एक या फिर खुद से पूर्णतः विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है भाज्य संख्याएं यानी जिन्हें हम भाग दे सकते हैं, जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, अब वे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होते आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, उन्हीं को कंपोजिट नंबर हम कहते हैं। नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नहीं है, यानी नेचुरल नंबर्स के सेट में जो प्राइम नहीं होते जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स, हर कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर्स के तो दो ही फैक्टर होते थे, जीरो या फिर वो खुद, लेकिन कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स का वन या फिर वो खुद। और कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, एक तो वन भी होता है, एक खुद भी होता है और उसके अलावा भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन, बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं, नंबर्स बन सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, जिन्हें भाग नहीं दी जा सकती, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं नहीं है का मतलब उन्हें हम भाग तो दे नहीं सकते, अभाज्य संख्याएं तो और नहीं है यानी उन्हें हम भाग दे सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याओं में शामिल हों। अगर प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्याएं शामिल हों, जो अभाज्य नहीं है उन्हें हम भाज्य कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या के दो या दो से ज़्यादा गुणनखंड, जैसे देखते हैं 4 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1, 2, 4 तो दो से ज़्यादा हो गए, 6 के क्या होंगे, 1, 2, 3, 6 ये भी दो से ज़्यादा हो गए, 8 के 1, 2, 4, 8 यहाँ भी दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो जब भी दो से ज़्यादा फैक्टर किसी नंबर के आ जाएँ वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। फिर आगे देखते हैं ऐसे अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ये नंबर्स तो आपके इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप किसी भी पेपर को देने जाओ अपने, उस पेपर में आपको जो है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। मतलब आप अगर कोई कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं जिसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरी प्राइम, प्राइम होने ज़रूरी नहीं है। दो नेचुरल नंबर हों हूज ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज वन, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो वन यानी एस एफ वन हो, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे देखते हैं 1, 2 अब इनके फैक्टर्स अगर हम करें तो फैक्टर्स में कॉमन क्या आएगा, 1, एस सी एफ क्या होगा इनका 1, 2, 3 इनका एस सी एफ भी बनाएगा, 1, 3 इनका एस सी एफ भी बनाएगा, 3, 10 इनका एस सी एफ भी बनाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं इनका ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल 1 है, 1 से बड़ा इनमें कोई मल्टीपल दोनों का नहीं है। तो ये सब को प्राइम नंबर्स हैं, ये पेयर्स बनते हैं को प्राइम नंबर्स के। हिंदी में पढ़ते हैं इसे दो प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे नंबर जिन्हें हम भाग ना दे सके, जिन्हें डिवाइड ना कर सके, जिनका महत्तम समापवर्तक एक है यानी कि मैस है एस सी एफ एक हो, वे ऐसे अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ आप समझते हैं इसका क्या मतलब है, नॉट नेसेसरीली प्राइम। अब 4 और 25 प्राइम नंबर्स तो हैं नहीं, डिवाइड तो हम इन्हें कर सकते हैं, 4 के फैक्टर्स करते हैं तो 1, 2, 4 25 के फैक्टर्स करते हैं 1, 5, 25। अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा इनका, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 1, वन सबसे बड़ा मल्टीपल है, इसके बाद तो ऐसा कोई मल्टीपल है ही नहीं जो दोनों के लिए सेम हो। तो ये क्या हो गया यहाँ पर को प्राइम नंबर्स, ऐसे अभाज्य संख्याएँ। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सम इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कुछ इंटीजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू तो इंटीजर होंगी लेकिन यहाँ एक इनकी कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना बने, न्यूमरेटर जीरो बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो द सेट ऑफ ऑल सच नंबर्स, ऐसे सारे नंबर्स का सेट इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज रिटन एज फॉलोज, और उसे लिखते कैसे हैं, क्यू इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू सच दैट पी क्यूमा क्यू बिलोंग्स टू जेड, पी और क्यू कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो ना हो। अब पी और क्यू क्या हो, कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख लो 3/4
ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। 1/2 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। बट अगर हम ये देखें 1/0, अब कंडीशन क्या थी, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन पी ए अपॉन क्यू के अकॉर्डिंग तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हुई, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। इसके अलावा ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। तो कुछ संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू जीरो के बराबर नहीं है। इस प्रकार सभी संख्याओं का समूह परिमेय संख्याओं का समूह कहलाता है। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप देखते हैं इसमें दो रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स के बीच में बाकी रेशनल नंबर फाइंड करना। अब हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइटली रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे अनंत रेशनल नंबर, बहुत पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं सॉरी हो सकती हैं। अब देखते हैं जैसा फर्स्ट मेथड देखते हैं इसका। फर्स्ट मेथड क्या होता है, अगर हमें दो रेशनल नंबर्स एक्स कॉमा वाई, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें थर्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं। एक रेशनल नंबर आ जाएगा, सपोज करो जेड आ गया, तो एक्स और वाई के बीच में हमें रेशनल नंबर क्या मिल गया, जेड। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, तो आप एक्स और जेड के बीच में भी कर सकते हैं, जेड और वाई के बीच में भी कर सकते हैं, करने का तरीका वही। अगर एक्स और जेड के बीच में करना है तो इन दोनों को ऐड करो और टू से डिवाइड कर दो। अब हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसे। हमें 3/7 और 5/14 के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो क्या करो, 3/7 प्लस 5/14 दोनों को ऐड किया और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखते हैं 14 और 7 का एलसीएम लेसे क्या आएगा, 14 ही आएगा, और ये क्या जाएगा, देखो 7 को 14 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर में करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 और प्लस ये तो एज इट इज़ रहेगा 5, ये 2 से डिवाइड हो ही रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, 6 + 5 11 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 11/28। तो इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर क्या मिल गया, 3/7 और 5/14, इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर क्या मिल गया, 11/28। अब फिर से वही बात, अगर हमें इन दोनों के बीच में निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और इन दोनों के बीच में निकालना है तो इन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। आप इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन्हें ऐड करो, 11/28 प्लस 5/14 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाता है भाई, 14 और 28 का एलसीएम लेसे क्या आ जाएगा, 28। अब यहाँ तो 28 था, ये तो एज इट इज़ रहेगा, बट इसको हमें 28 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर भी करेंगे, 5 × 2 = 10, ये 2 ही है रहा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ये कितना हो जाएगा, 10 + 11 = 21, और ये कितना हो जाएगा, 56। तो इनके बीच में क्या आ गया, ये 21/56। अब आप चाहो तो इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, या फिर इनके बीच में भी निकाल सकते हो। तो अब अगला इनके बीच में निकाल देते हैं, 3/7 + 11/28 निकालते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसे 2 से डिवाइड भी करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। अब 7 को 28 बनाया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर भी करेंगे, 4 × 3 = 12 प्लस ये एज इट इज़ रहेगा 11 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग देंगे हम इसे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और जाएगा 23/56। तो इनके बीच में क्या आ गया, 23/56। अब आप और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है तो उन्हें ऐड करो, इनके बीच में निकाल लो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ये हो जाएगा 21/56 प्लस 5/14 और 2 से डिवाइड कर दो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 ही आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और प्लस भाई 14 को 56 बनाया, 4 से मल्टीप्लाई करी होगी, 4 के ऊपर भी करेंगे, 4 × 5 = 20 डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी यहाँ हो जाएगी कितना आ जाएगा, 41/112। तो इनके बीच में क्या आ गया, ये 41/100 × 112 आ गया, तो सॉरी 41/112। तो आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आपका आंसर बुक से मैच करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेशनल नंबर फाइंड करने का एक मेथड तो हुआ ये, क्या दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अब दूसरा तरीका समझते हैं रेशनल नंबर फाइंड करने का, वो क्या होता है, सपोज करो हमें इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7। पहले तो हमें डिनोमिनेटर्स को ही इसके इक्वल करना पड़ेगा। अब 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 14। तो अब देखो ये है -1/2,
2 को हमें 14 बनाना है, क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं 7 की मल्टीप्लाई, सिर्फ हम यहाँ पर ही करेंगे नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन नंबर क्या बन जाएगा, बन जाएगा माइनस के 7/14। और दूसरा देखते हैं, जैसे ये 2/7, अब इसे बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/14। अब जो है हमारे डिनोमिनेटर इक्वल बन गए। अब सपोज कर हमें इसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, हम क्या करते हैं n प्लस 1 लेते हैं। अब n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3+1 4। तो अब आप क्या करो 4 से इन दोनों में ऊपर नीचे या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखते हैं माइनस 7/14 इंटू 4/4। अब देखते हैं 7 × 4 = 28 और ये कितना हो जाएगा 14 × 4 = 56। ये माइनस क्यों होंगे, और ये इधर देखते हैं 4/14 इंटू 4/4 ये कितना हो जाएगा 16/56। आप इनके बीच में भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर, जैसे −7/14 4/14 के बीच में क्या जाएंगे भाई −7/14 तो ही हमें 3 लिखने थे, तो −6/14 और −5/14 −4/14 एंड सो ऑन। हम कहाँ तक जा सकते हैं +4/14 तक हम इसे ले सकते हैं, ये भी एक है, लेकिन ये कब, जब इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो। अब सपोज़ करो ये माइनस ना होकर प्लस का होता और ये 7 ना होकर 5/14 होता और ये 4/14 होता, तब हमें लिखनी होती, तब क्या करते, उसके लिए हम इस कंडीशन को यहाँ पर करते हैं। अब देखिए जैसे इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर हमने ये फाइंड कर दिए और कुछ और भी आ सकते हैं। ऐसे देखो ये क्या है माइनस के 28/56 और क्या हो सकता है भाई 16/56, ये भी तो हो सकता है। तो इनके बीच में कौन से आएंगे 27/56 −26/56 और एंड सोन बढ़ते हुए मैं तक। तो आप देख रहे हो यहाँ हमारे रेशनल नंबर्स कुछ हो रहा है और यहाँ हमारे रेशनल नंबर्स कुछ हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं हमने गलती करी है, हमने गलती नहीं करी, बट मैंने आपको भी बताया था रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स होते हैं। दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं। अब ये हमने आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया, हमारे आंसर भी लगभग क्या सारे ही सही हैं, आंसर थोड़ी गलत होंगे। अब आगे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस मेथड, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम इस मेथड को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे और पिछले वाले मेथड को भी करेंगे। देखते हैं देखो −1/5 और प्लस कर दो −1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हम पिछला वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखते हैं −1/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये −1/2 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा भाई 5 को 10 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई करी होगी तो 2 से ऊपर भी करेंगे −2, इसी तरीके से यहाँ 5 से जाएगी −5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा −7/20। अब आप और भी निकाल सकते हैं −7/20 और प्लस −1/2, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब देखते हैं 2 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 20 आ जाएगा और −7, अब ये यहाँ प्लस माइनस माइनस तो हो गई और ये क्या हो जाएगा −10 डिवाइडेड बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा −7 −10 −17/40 हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर हमने इनके बीच में है निकाल दिए। अब इसी तरीके से हम दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ये है भाई −1/5, आप क्या करो इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर दो एलसीएम क्या है इनका 10 है, तो ये कितना हो जाएगा −2/10 और इसी तरीके से इसे देख देते हैं −1/2, इसे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा −5/10। अब हम देखते हैं −2/10 और −5/10 बीच का डिफरेंस तो बहुत कम है, सिर्फ दो ही रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो अब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आपको 2 से ज़्यादा लिखनी है तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि भाई n 2 होगा तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो आप इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बहरहाल हम अभी इन्हीं के बीच में लिख देते हैं, तो −2/10 और इससे आगे क्या आएगी −3/10 और फिर −4/10 और फिर क्या आएगी −5/10। कुछ बुक्स में ऐसा भी होता है कि अगर x की वैल्यू y से छोटी होती है, यानी ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर से, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये अगर x है, हम इसे अगर x कंसीडर करते हैं और ये y है, तो ये वाली जो वैल्यू है x अगर y से छोटा है तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं करते। बट कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम में अपना करने का तरीका भूल जाते हैं तो हम मार्क्स तो चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं, गलत नहीं है, बस थोड़ा लिखने का तरीका इसमें चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं क्या
ये हम यहाँ रिवर्स लिख रहे हैं भाई, माइनस 28 अपॉन 56 से हम उल्टा चल रहे हैं, 16 अपॉन 56 की तरफ चल रहे हैं, तो ये थोड़ा इसलिए लिखने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लेकिन इसे ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर उल्टा चलते हैं और अपने नंबर्स के बीच के उन टू रेशनल नंबर्स के बीच के नंबर को लिखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ये 64 को हमने किस तरीके से लिखा, 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर कितनी होगी 6, और हम इसमें इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 to the power 0। अब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है अगर वो उसके फैक्टर 2 to the power m और 5 to the power n की फॉर्म के हैं, यानी इस रूप में उसके फैक्टर आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, शांत दशमलव होगा, और अगर नहीं आ रहे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव होगा। अब इसके फैक्टर तो बन रहे हैं तो ये कैसा दशमलव होगा, कैसा प्रसार होगा इसका, शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बिना डिवीज़न मेथड का यूज़ किए इसका पता लगा लिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसे एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, अगर हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो किस तरीके से होगा, 2 12 2 6 2 3, और ये 3 1। अब 24 के फैक्टर्स क्या बने, 24 के फैक्टर्स बने 2 to the power 3 into 3। अब इसमें 2 की पावर 3 तो आ रही हैं, और अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 to the power 0। अब ये एक बात यहाँ देखने वाली बात है क्या कि ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में बना, तो लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आया, 3। तो अगर हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 से अलग कोई नंबर फैक्टर की फॉर्म में आता है तब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनते हैं, तब वो रेशनल नंबर क्या बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कैसा प्रसार होगा, ये अशांत दशमलव होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये देखते हैं हम भाई, ये है 400, इसको करते हैं तो 2 200 250 फिर 2 25 फिर 2 सॉरी 2 नहीं 5 5 एंड लास्ट 5 1। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं हम 2 to the power m फ्रॉम इक्वेशन 3 टू में से सॉरी इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इक्वेशन 3 में से, तो हो गया 100 - 10 90x और 16 - 1 15, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 15 अपॉन 90। इसे 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स हो जाएगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 अपॉन 30। अब ये फिर आगे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। और ये क्वेश्चन है 7.1641 बार। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या कि 3 नंबर्स पर बार लग रहा है, 1 नंबर पर बार नहीं लग रहा, तो पहले हम पॉइंट के इधर उस रुक जा, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इन उधर जाने के, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इधर डिस्प्लेस होगा, फिर 3 नंबर्स पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम अपने क्वेश्चन को बना लेंगे।